हेलो दोस्तों आज हम कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म भरेंगे जो सितंबर अक्टूबर 2020 के लिए 2021 के लिए जो कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म निकले हुए हैं वो मैं भर के दिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कॉलम में आपको कैसे डिटेल्स डालनी चाहिए सो दैट आपके मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग हो बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस राइट सो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही कैंपस का फॉर्म भरें और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट uh, बॉक्स में पूछ सकते हैं और जुलाई 2021 कैंपस स्टूडेंट के लिए मैंने एक स्पेसिफिकली टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको कैंपस से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई एफ है तो आप मैंने दूसरी वीडियो बनाई है आप उसको देख लीजिएगा ये कैंपस प्लेसमेंट की वेबसाइट है इस पर आके आपको यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट और न्यूली क्वालिफाइड सी पे जाएंगे तो फॉर स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है रोल नंबर मतलब कौन से वाला जिस पे आपने सीए फाइनल पास किया है अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर लॉगिन कर रहे हैं तो देखिए नीचे एक ऑप्शन है रजिस्टर हेयर का यहाँ पे आप रजिस्टर हेयर कर लीजिएगा और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो सीधा लॉगिन कीजिएगा आपने सारे ये एफ पढ़ लेने हैं आपको एक बार मोटा मोटा उसके बाद ये सबमिट पर क्लिक करना है इसको ठीक है उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पे बहुत सारी टैब आ गई पर्सनल एजुकेशन सारी टैब आपको भरनी है जेंडर आप सिलेक्ट कर देंगे मेरिटेल स्टेटस में आप डाल देंगे जो भी है डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो आप डाल देंगे एज पर द रिकॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स एड्रेस आप डाल देंगे अपना जो भी है उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ टिक कर देंगे वरना यहाँ पे डाल देंगे जो भी है ठीक है फर्स्ट स्टैप भरने के बाद सेकेंड टेप है एजुकेशन एजुकेशन में टेंथ का डाल देंगे हायर एजुकेशन ट्वेल्थ का डाल देंगे अगर ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो उसकी डिटेल डाल देंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे ठीक है सी ए फाउंडेशन की डिटेल आपके यहाँ पे आएगी कौन से मंथ में आपने क्लियर करी मंथ में यहाँ पे वो आता है जिस मंथ में आप एग्जाम देते हैं उसके बाद यहाँ पे ईयर आता है कितनी आपकी परसेंटेज थी और कोई रैंक थी कि नहीं थी उसके बाद अटैम्प फर्स्ट है तो फर्स्ट में क्लिक करेंगे सब्सिक्वेंट है तो सब्सिक्वेंट में क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे कितने अटैम्प में आपने सी ए फाउंडेशन अपनी क्लियर करी थी सेम फॉर इंटर एंड सेम फॉर फाइनल ठीक है इंटर और फाइनल में फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों की डिटेल आएगी अगर आपने बोस ग्रुप एक ही अटैम्प में निकाले तो दोनों में मंथ सेम आएगा ईयर सेम आएगा मंथ होएगा मंथ और ईयर रहा एग्जाम फॉर्म वाला फिर वहीं अटैम्प यहाँ पे आपको लिखने फर्स्ट में करी या स्वेंट फर्स्ट में करी तो ठीक बट सब में करी तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितने अटैम्प में आपने करी और ये जो मार्क्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये आपके कंसोलीट मार्क्स आएंगे होल आईपीसी में आपके कितने मार्क्स आए ठीक है ना कि ग्रुप वाइज और यहाँ पे आपको जो ये मंथ के ईयर पूछ रहा है ये वो मंथ के रहेगा जिस जिस मंथ के ईयर में आपकी आईपीसीसी क्लियर हुई है मतलब आपका पहले सपोज आपने ग्रुप वन क्लियर कर दिया और बाद में आपने ग्रुप टू क्लियर किया तो फिर ग्रुप टू वाले यहाँ पे डिटेल्स आएंगी जो बातें मैंने आईपीसीसी के लिए बताई यहाँ पे फाइनल की भी वही सेम बातें हैं मेरे केस में देखिए फाइनल की ना यहाँ परसेंटेज ऑलरेडी लिखी आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी परसेंटेज ऑलरेडी लिखी आ जाए और फिर आप नीचे सिर्फ अटेम्प्ट आपको करने होंगे ठीक है उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सी ए अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं ठीक है जैसे कि कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया हो एजुकेशन के बाद आपकी बात आती है एम सी एस की देखिये आप पूछता है एमसीएस कम्प्लीट है ये और नो आपको ये और नो पे क्लिक करना है अगर आप नो no करेंगे तो वो पूछेगा कब आप इनरोल कराएंगे देखिए कैंपस में बैठने के लिए एम सी एस में इनरोलमेंट होना बहुत जरूरी है बिफोर दी कैंपस स्टार्ट हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर कंप्लीटेड है तो यस करेंगे तो वो आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और डेट ऑफ कंप्लीशन मांगेगा तो ये आपके पास हैंडी होना चाहिए क्या आपके पास मेंबरशिप नंबर है इफ़ दी आंसर इज यस देन मेंबरशिप इनरोलमेंट नंबर मतलब मेंबरशिप नंबर आपको डालना है इफ दी आंसर इज नो आप बताएंगे एक्सेप्टेड डेट और यहां पे एक अनाउंसमेंट भी है इस पर आप क्लिक करके इसको भर देंगे और यहां पे सबमिट कर देंगे ठीक है मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी फॉर अटेंडिंग दी कैंपस प्रोग्राम ट्रेनिंग डिटेल ट्रेनिंग डिटेल में ना एक पहले चलो मैं बता देता हूँ ट्रेनिंग डिटेल में नेम ऑफ फर्म लोकेशन डालेंगे डेट डालेंगे कब से कब तक करी कितने पार्टनर थे सी ए फर्म में अगर प्रोपाइडरशिप तो यहाँ पे वन डाल देंगे नेचर ऑफ वर्क में आप सिलेक्ट कर देंगे जो जो आपने किया हुआ है अदर एरिया अगर, 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 अगर अपार्ट फ्रॉम दिस नेचर ऑफ वर्क कुछ आपने किया है तो यहाँ पे आप डाल देंगे अगर आप सेकंडमेंट में थे तो यहाँ डाल देंगे कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे डाल देंगे कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे कॉमा कॉमा डाल के आप आगे बढ़ते जाएंगे जितनी मर्जी कंपनी का नाम डाल सकते हैं कॉमा डाल के आपको यहाँ पे फिल करनी है डिटेल्स अगर आपने मोर देन वन फॉर्म में आर्टिकलशिप की है तो यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे आपको प्लस का साइन यूज जैसे ही करेंगे ना तो सेम टाइप एक और खुल जाएगा और आपको उस दूसरी कंपनी का भी यहाँ पे डालना पड़ेगा देखिए आर्टिकलशिप की डिटेल डालते वक्त एक बहुत ही कॉमन एरर है जो मोस्टली स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है एक एरर आ जाता है स्क्रीन पर जिसमें वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया ऑफ आर्टिकलशिप इज नॉट सेटिस्फाइड अगर आप इस एरर से जूझ रहे हैं तो आप मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसपे मैंने इस एरर के सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन की है उस वीडियो को आप देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई आईकॉन में आपको मिल जाएगा अगर आपने किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएंगी और सेम आर्टिकलशिप में जैसे आपने डिटेल डाली है ये तो थी ट्रेनिंग डिटेल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप के बाद और सी क्लियर होने तक अगर आप कहीं इम्प्लॉयड हैं या फिर पोस्ट आर्टिकलशिप आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करके आप उसकी डिटेल डाल देंगे अगर नहीं है तो नो ही रहने देंगे हॉबीज यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट uh, चीज शुरू होती है देखिए क्योंकि ये जो पीछे वाली डिटेल थी ना आर ऑल बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स ठीक है तो इसमें किसी भी तरह का किसी भी भी तरह तरह का या की आप ऊपर uh, नीचे नहीं कर सकते जिससे कि आपकी मैक्सिमम शॉर्ट डिस्टिंग बट मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है यहाँ पे चार क्वेश्चन पूछेगा यहाँ क्या आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है आपने प्राइस मिडल किया है सोशल प्रोग्राम और ये देखिए कोशिश ये कीजिएगा कि चारों के आंसर येस हो ऐसा नहीं कि झूठ बोलना है बट आप सोचिएगा कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कभी किया हो मतलब यू हैव टू जस्टिफाइड अगर आपसे पूछा गया तो इफ़ यू कैन जस्टिफाइड पॉइंट देन यू कैन चूज चूज अदरवाइज नो अपार्ट फ्रॉम दिस फोर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई ऐसी अचीवमेंट है जो मेरे को यहाँ पे मैंशन करनी है तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप सी बन चुके हैं ऐसा तो होगा नहीं आपके आज तक कोई अचीवमेंट ही नहीं होगी तो सोचिएगा और यहाँ पे मैंशन कीजिएगा जल्दी जल्दी में फॉर्म भर मत दीजिएगा क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया होते हैं आपकी शॉर्ट के लिए ठीक है अगर मैं एक रिक्रूटर हूं और मैंने सिंपल एक बनाया कि भाई जिस बंदे ने स्कॉलरशिप पर यस टिक किया मैं उसको लूंगा समझ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं क्राइटेरिया हो सकता है आपकी शॉर्टलिस्टिंग का हॉबीज ये हॉबीज को खाली मत छोड़ दीजिएगा जनरली मैंने देखा है यार मैंडेटरी नहीं है ना छोड़ यार जनरली कहते हैं मैंडेटरी नहीं है ना छोड़ यार ऐसे मत कीजिए अगर मानिए मैं एक रिक्रूटर हूं मैं केवल उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करूं जिसने हॉबीज में कुछ डाला है लेट सपोज जिसकी हॉबीज ब्लैंक है मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ऐसा बंदा चाहिए नहीं जिसकी कोई हॉबीज ही ना हो लेट सपोज राइट तो हॉबीज में यहाँ पे कुछ ना कुछ हॉबी जरूर डाल दीजिएगा और आपकी कोई ना कोई हॉबी तो जरूर होगी ठीक है जॉब प्रेफरेंस देखिए अब ये जॉब प्रेफरेंस की बड़ी आ, है महत्व लिस्टिंग के ऊपर ठीक है देखिए मेरा आपसे कहना ये है कि आप कैंपस के फॉर्म को इस तरह से भरिए कि आपकी मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग हो लेट सपोज आपको कोई शॉर्टलिस्टिंग जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पोस्टिंग एनी वेर इन इंडिया मैं दिल्ली रहता हूँ मुझे सिर्फ दिल्ली में जॉब करनी है ये फिक्स है कि दिल्ली किसीआर में करनी है बट उसके बावजूद भी मैं कहूँगा यहाँ पे यस कीजिए क्यों अगर आपने यहाँ पे यश किया तो कोई ऐसी कंपनी होगी जो दिल्ली में ही जॉब देने वाली हो बट उस इस इसको यस करके ये साबित होता है कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर राइट अगर आप नो कर देंगे तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत रिजिड हूँ यार मैं तो कहीं जाऊंगा ही नहीं बट पर कंपनी परस्पेक्टिव से सोचिए उनको ये लगेगा कितना फ्लेक्सिबल है बंदा तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं लेट सपोज आप दिल्ली के अलावा कोई और शॉर्ट लिस्टिंग आपको आती है तो मत कीजिएगा आप चूज मत दीजिएगा इंटरव्यू बट अभी के लिए तो यस कीजिए ना पासपोर्ट है कि नहीं है आपके पास यस और नो तो ये तो आप देख लीजिएगा वेदर पोस्ट एक्सेप्टेबल मेरा आंसर आंसर है है यस चाहे आपका कुछ भी हो ठीक हैव यू पार्टिसिपेट इन ये तो आपका देखिए फैक्ट पे ही आंसर डिपेंड करेगा आर यू रेडी टू बी प्लेस आउटसाइड इंडिया इसका आंसर यस yes ही कीजिए ठीक है भले ही आपका आंसर कुछ भी हो क्योंकि जितना आप यस yes करेंगे जितना आप पॉजिटिव आंसर देंगे उतने आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चार्ज बढ़ेंगे राइट right? एक्सेप्टेड एनुअल सैलरी मुझे ऐसा लगता है ये जो क्वेश्चन है ना एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टें होल फॉर्म विच डिसाइड योर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे पांच पचास मिनिमम लिखा हुआ है कोई बच्चा बारह भर देता है बारह लाख कोई बच्चा चौदह लाख भर देता है कोई बच्चा पंद्रह लाख भर देता है तो एक मेंटेलिटी मैंने देखी है उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि मैं मेरे को तो बारह लाख की एक्सपेक्टेशन है देखिए थोड़ा सा ना आप मैं कोई फिगर पे डिस्कशन नहीं करूंगा बट थोड़ा सा आपको ना मार्केट सिनेरियोस को देख के और प्रैक्टिकल सच्चाई को देखते हुए इस फिगर को भरना है ये नहीं कि आप सीए हैं तो बारह लाख भर देंगे आप प्रैक्टिकली देखिए कि कितने ऐसे न्यूली क्वालिफाइड सी हैं जिनको बारह लाख मिल जाते हैं मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ और बहुतों तो को मिलते ही हैं बट मैं एक वो बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको सोच के भरीएगा ये नहीं कि कोई भी एक वेक फिगर भर दी अब एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं उनके उनका क्वेश्चन कई बार क्या आता है कि लेट सपोज हमने यहाँ पे सेवन लाख रुपीज भर दिए ठीक है ठीके? और कोई कंपनी है जो एट लाख रुपीज दे रही थी बट मैंने तो सेवन भरे हैं तो अब तो मुझे वो कंपनी अगर शॉर्टलिस्ट करेगी तो सेवन ही देगी द आंसर इज बिग नो देखिए आप यहाँ पे कोई भी सैलरी भरिए कंपनी जो पे करती है ना कैंपस में वो सबके लिए फिक्स होता है सात लाख वाले को भी वो आठ लाख देगी जिसने यहाँ बारह भरा होगा उसको भी आठ लाख देगी ठीक है

सबसे पहले ये कि यहाँ पे क्या पूछा है कि फर्स्ट कैंपस इंटरव्यू सेंटर मतलब बिग सेंटर आप कहाँ पे लेना चाहेंगे वो आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपस में ना आपके सेंटर की अवेलेबिलिटी और कहाँ पे कौन सा सेंटर आपको लेना है कौन सा सेंटर लेना है इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता इट टोटली डिपेंड्स कि आप जैसे दिल्ली सेंटर लेते हैं तो अगर आपको दिल्ली के आसपास जॉब चाहिए आप दिल्ली रहते हैं तो आप दिल्ली सेंटर ले लेते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऑल इंडिया फ्लेक्सी ऑल इंडिया फ्लेक्सीबल हूँ कहीं भी जॉब करने के लिए रेडी हूँ तो दिल्ली सेंटर थोड़ा सा रशी सेंटर है सबको पता है दिल्ली सेंटर इज द मोस्ट रश वाला सेंटर तो आप कोई कोलकाता या कोई और सेंटर चूज कर सकते हैं सेंकट सेकेंड कैंपस सेंटर भी क्या है स्मॉल सेंटर अगर आपका फर्स्ट में नहीं होता है तो आप स्मॉल सेंटर भी चूज कर सकते हैं सेंटर को बड़े ही ध्यान से चूज कीजिएगा बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे फिर आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है ये जो फोटो आप अपलोड करेंगे ये आपके कैंपस के आईडी कार्ड में जनरेट होके आएगी फोटो जब आप अपलोड करेंगे तो फोटो का नाम जो है अपना मेंबरशिप नंबर दे दीजिएगा ये सारी डिटेल मुझे लगता है बहुत ईजी थी उसके बाद डिक्लेरेशन तो कुछ भी नहीं है इसमें करके फाइनल सबमिट करके आपको पांच सौ रुपए की मोस्ट ऑफ में फीस पे करने के बाद भी ये कैंपस एडिट फॉर्म कैंपस का फॉर्म एडिट होता है तो बच्चों को और फीस पे करने का दोबारा ऑप्शन आ रहा होता है तो बच्चों को लगता है यार मेरा कैंपस का फॉर्म क्या हो गया मैंने तो फीस पे कर दी दोबारा ऑप्शन क्यों आ रहा है तो इस कैंपस फॉर्म में ना थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत तो है इसमें क्या होता है फीस एक बार पे कर देते हैं इसको पता नहीं लगता कि फीस पे हो गई ये दोबारा फीस मांगता है तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन ये है कि आप आईसीआई को तुरंत मेल कीजिए कि मैंने फीस पे कर दी है दोबारा फीस मांग रहा है और तुरंत लास्ट डेट का ना वेट कीजिए कैंपस में ना आईसीआई की रिप्लाई के वेट कीजिए कैंपस में तु, दोबारा तुरंत फीस पे कर दीजिए दूसरे ब्राउजर से या फिर इस ब्राउजर की हिस्ट्री कैच वगैरह सब क्लियर करके ठीक है आ, पॉसिबल हो तो कंप्यूटर ही चेंज करके पे कीजिएगा फ्रेश ब्राउजर से ठीक है और जो पहले वाला पे किया उसका रिफंड मिल जाता है आईसीआई से कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कैंपस का फॉर्म भर गया पूरा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा ना अभी देखिए प्रोफाइल में आते हैं तो ये भरने का ऑप्शन देता है अगर आपका कैंपस का फी पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया और वो आपसे दोबारा पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा डेट मीन्स आपका कैंपस का फॉर्म पूरा हो गया तो ये था प्रोसेस आप सभी को ऑल दी बेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं गवर्नमेंट जॉब और फ्रेशर सीए के लिए तो बहुत सारी यूजफुल अपडेट चैनल पर आती रहती है आप सभी